वहीं हरियाणा के बजट पर प्रदेश के लाखों व्यापारियों की भी नजरें हैं। सरकार ने व्यापारियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए योजनाएं तो बनाई हैं, पर इसके नतीजों का भी इंतजार है। सबसे बड़ा उदाहरण रोहतक में 1.5 साल पहले हुई व्यापारी सम्मेलन में उनके लिए सरकार की ओर से बीमा कराने की घोषणा की गई थी। आज तक उस पर कुछ खास काम नहीं हुआ। ज्यादातर व्यापारी सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं। बारह मार्च को आ रहे हरियाणा के सालाना बजट पर प्रदेश के व्यापारियों की भी नजर है। बड़े बिजनेसमैन और उद्योगपतियों के बाद व्यापारी ही एक ऐसा तबका है जिसे सरकार के सहयोग और संरक्षण की हमेशा दरकार रहती है। बात व्यापारी की चली है तो आपको बता दें कि व्यापारियों की मांग पर उनके कल्याण के लिए प्रदेश की मनोहर सरकार ने 4 साल पहले व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाया था। बोर्ड के चेयरमैन रहे श्रवण गर्ग, फिर गोपाल शरण गर्ग और मौजूदा चेयरमैन रामनिवास गर्ग हैं। पर उपलब्धियों के नाम पर हाथ में कुछ खास नहीं। लीजिए युवा व्यापारी की आवाज सुनिए। मुख्य तौर पे हम अगर देखें तो पीछे जब रोहतक में अधिवेशन हुआ तो उसके अंदर एक घोषणा की गई कि जितने भी हमारे व्यापारी हैं उन सबका जो है वो बीमा योजना के तहत जो है उनको सबको रजिस्टर्ड किया जाएगा और सभी को किसी तरह की कोई भी अप्रिय घटना होती है तो उसके अंदर जो है उनको उसका लाभ उठवाया। अभी तक किसी तरह की कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई और ना ही दुकानों के सर्वे हुए हैं जिसमें दुकानों को रजिस्टर्ड करवाया जाए और उनको जो है उसका लाभ मिल सके। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा की बहुत ज़्यादा जरूरत है, खास करके व्यापारियों को। मैं आपको अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे दोस्त की फैक्ट्री में पिछले 1.5 साल पहले एक फायर हुई थी, बहुत भयंकर आग लगी थी जिसमें उसका करोड़ों रुपये का नुकसान हो गया था। उसको आज तक क्लेम नहीं मिला। उसने अपने दम पर दोबारा फैक्ट्री बनाई, माल भरा, मशीनें लगाई, आज वो फैक्ट्री चला रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, रेवेन्यू भी सरकार को दे रहा है, अपने बलबूते पर वो सारे उसने काम किए हैं, लेकिन एक पैसा भी सरकार की तरफ से उसको मदद का नहीं मिला। और तो और, प्रदेश की बीजेपी सरकार ने करीब 1.5 साल पहले रोहतक में व्यापारी सम्मेलन किया था। सीएम ने व्यापारियों का सरकार की तरफ से बीमा करने का ऐलान किया, पर सामाजिक सुरक्षा की इस योजना पर कोई खास काम अब तक भी नहीं हुआ। लीजिए सुनिए। उसके बाद शिव कुमार जैन जी आए। शिव कुमार जैन जी के समय में भी बात हुई दोबारा से, लेकिन फिर भी कोई आगे चीज नहीं बढ़ी है। अभी शरण गर्ग जी भी हमारे चेयरमैन है तो उनसे भी हमारी बात हो चुकी है, लेकिन वही है कि वादे पे वादे जो है हम आगे से आगे सुन रहे हैं। तो जल्द से जल्द इसका गठन किया जाए ताकि व्यापारियों को किसी तरह की कोई भी समस्या है तो उस व्यापार कल्याण बोर्ड के अंदर जो है उसका जानकारी दें ताकि अधिक से अधिक जो है व्यापारी हमारा लाभ उठा सके। पानीपत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 12,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा कमा के भारत सरकार को देती है, तो पानीपत के लिए कोई जोन, कोई क्लस्टर आज तक डिक्लेयर नहीं हो पाया। आज प्रदेश में व्यापारी की सुरक्षा बड़ा मुद्दा और चिंता की बात है। जिस तरीके से रोहतक, पानीपत और दूसरे बड़े शहरों में क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, उससे व्यापारी दहशत में हैं। यानी सरकार ने व्यापारियों के कल्याण और सुरक्षा की योजनाएं तो बनाई हैं, घोषणाएं भी की हैं, पर जमीन पर और व्यापारियों के चेहरों पर सुरक्षा और संरक्षण के भाव नजर नहीं आते। इसलिए सरकार जी, भरोसा जगाइए, मिलकर काम करिए, आपस में लड़िए नहीं, गुस्ताखी माफ। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।